हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, टुडे इज वेरी स्पेशल सेशन फॉर यू ऑल। तो आज के सेशन में रहेगा क्या, देखो हम क्या देख रहे थे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन देख रहे थे। इसी में आज हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ये क्या परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, इसके साथ ही हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन किस चीज के देखेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का होता है ना फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, मतलब बिना इसके भी हो जाएगा। ये एक तरीका है बस, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिकली जो हमारी पूरी सीरीज है टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। आप देखो क्वेश्चंस का लेवल आपको एग्जाम में एग्जाम के लेवल के नहीं लगे तो आप बताइए। ठीक है, सो डू लेट अस नो योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन अलाइन अवर सेशंस अकॉर्डिंग टू दैट। सो देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मेरे लास्ट वीडियो का कंटेंट था। इसके संग ही मैंने कुछ होमवर्क दिया था। लास्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। एक तो मैंने ये होमवर्क दिया था, इसमें से कुछ दिए थे। ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे, पहले आज का देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। ठीक है, करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए थे। ठीक है, तो सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, सर ये हमें मतलब 10 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और 20 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, जबकि लगने नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है जो प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। ठीक है, इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इनकम इज 10% मोर देन बी, ये मान लो बी जिससे भी कंपेरिजन होता है, जिससे भी कंपेरिजन होता है उसे पहले लिख लो और दूसरे वाले को इधर लिख लो। और मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स में ना हमेशा आपको कोशिश करूंगा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूं, हमेशा चीजें आपको बेसिक से बताऊं, समझो मेरी बात। तो कोशिश यही है आपको बेसिक से बताने की चीजें। अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशंस फॉर यू गाइस। ठीक, चलिए ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको दोनों तीनों तरीकों से बता दूंगा 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक, इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बी, मतलब अगर देन के बाद जो होती है ना वो दूसरे वाले की इनकम होती है, यानी जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यानी बी की इनकम अगर मैं 10 मान लू, अब एज इनकम इज 10% मोर देन बी, यानी ए की इनकम बी से कितनी परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है, यानी ए की इनकम कितनी होगी, 11 होगी नहीं होगी, क्या ये बात समझ में आती है भाई। 10 का 10% कितना होगा, 1, यानी इतनी तो ज्यादा होगी ए की इनकम। इसके बाद पूछा गया, देन फाइंड हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, बी की इनकम ए से कितना लेस है, यानी बी की इनकम कितनी है 10, ए की इनकम कितनी है 11, कितना लेस है, -1। अब इधर मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ए से, यानी 1/11। अब ये 1/11 × 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9 complete 1/11% इज योर आंसर, बताए। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, इसी में आगे जो एडवांस क्वेश्चन है वो इसका तो मतलब एडवांस पार्ट है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, बताए। ठीक है, यह कह लो 9.09%, बताए। अब मैं यही कह रहा था, दो तीन तरीके जो मैं कह रहा था ना, बी की इनकम आप जरूरी नहीं है वो मानो 10 मानो, इधर आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो, 100 ले लोगे तो 10% या ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अल्टीमेटली देखो रेशियो कितना आ रहा है, 10:11 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, वही वही चीज है। ये चीज समझ में आई आपको, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 9 complete 1/11%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एज इनकम, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 33 complete 1/3%, वही तो लिखा है। इफ एज इनकम इज 33 complete 1/3% लेस देन बीज इनकम, ये देन के बाद क्या आ रही है सर, बी, पहले बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/3। तो यानी अगर ये 3 है तो अब लेस है ए की इनकम, यानी कितना लेस है, कितना लेस है, -33 complete 1/3%, राइट। तो यानी इसकी ए की इनकम कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन ए, अब इधर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए से, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है सर, 1 + 1% ज्यादा है, यानी 1/2। 1/2 सर किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, × 100 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, व्हेन वी हैव टू चेंज परसेंटेज टू, व्हेन वी हैव टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा सर, 50%, बताएं, इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एप्लीकेशन।
रेशमास मंथली इनकम इज 22% मोर देन नीलम्स मंथली इनकम। देन के बाद सर आ रहा है नीलम, यानी नीलम की मैं कितनी मान लू 100% मान लेता हूँ, ठीक है, और रेशमा की कितनी हो जाएगी सर 122%। क्या ये बात क्लियर है? ये तो बेसिक बात है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। इफ नीलम्स मंथली इनकम इज इतना, यानी सर 100% की वैल्यू कितनी मैं कर दू 3500। मुझसे पूछा क्या, वॉट इज रेशमास मंथली इनकम, ठीक है सर, यानी 100% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 35। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज है, स्किप मत करना वीडियो को, 2 मिनट देखो बस। यानी आपको 122% की वैल्यू निकालनी है ना। अब मैक्सिमम स्टूडेंट सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर, 122 × 35 ये टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैसे करते हैं, 122 × 35 करना है ना आपको, तो क्या करेंगे, इधर इंटू टू इधर अपॉन टू, ये कितना होता है सर 70, ये 2 से कैंसिल कर दो 61, यानी 61 × 70 कितना हो गया 0 7 7 6 42, 4270। बताओ ये इजी रही अप्रोच की नहीं, मल्टीप्लिकेशन इजी था कि नहीं? अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो मे बी आपको टाइम लगता, ठीक है। तो क्वेश्चन सही था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंस इधर उसे सेम रखते हैं, एक्सपेंस उसे क्या रखते हैं सेम, तो आपको पता होता होना चाहिए कि सर एक्सपेंस होता क्या है। भाई एक्सपेंस होता है आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी, कैसे, मान लो आपने 10 kg शुगर परचेज करी, मेरी बात समझना, अगर मान लो आपने 10 kg सर शुगर परचेज करी और उसका प्राइस था 10 rupees per kg, 10 rupees per kg, ठीक है। तो ये आप, यानी आप टोटल आपका एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालेंगे, टोटल खर्चा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, टोटल खर्चा कैसे निकालोगे भाई, इंटू ही तो करोगे 10 × 10, 100 तभी तो आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर एक्सपेंडिचर बराबर कैसे आता है हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी। मैं आपको बता रहा था, एक्सप्लेनेशन था कि एक्सपेंडिचर बराबर हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी कैसे होता है, ठीक। अब देखो बोल क्या रहा है, प्राइस गोस अप, अगर मान लो आपको इसे सेम रखना है, मान लो मैं ये कहता हूँ अगर आपको हमेशा ये सेम रखना है, इतना टाइम लगेगा नहीं, समझा रहा हूँ मैं आपको डिटेल में। अगर प्राइस अगर आपकी ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी भाई? अगर ये आपको सेम रखना है तो प्राइस अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल जी सर। अब प्राइस हम देख लेते हैं कितनी इंक्रीज हुई, 20%, यानी मान लो 100 ले लेते हो सर, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से ही करो। यानी अगर ये 100 है तो अगर इनिशियल प्राइस मैं कहता हूँ 100 है तो फाइनल प्राइस यानी मेरी कितनी इंक्रीज हो रही है 120%, यानी 120 मान सकता हूँ, ठीक है 120। इस बार मैंने एग्जैक्ट वैल्यू मान ली बिकॉज आई हैव टू कंपेयर, हमेशा याद रखना ये मेरी फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस को इनिशियल क्वांटिटी मान लो और इनिशियल प्राइस को फाइनल क्वांटिटी मान लो। भाई जिस रेशियो में आपकी प्राइस इंक्रीज होगी उसी रेशियो में तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इस लाइन पे ध्यान देना, जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज होगी उसी रेशियो में क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो यानी अगर प्राइस इस रेशियो में इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी, अगर इनिशियल क्वांटिटी 120 थी तो फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी 100, यानी परसेंटेज रिडक्शन अगर आपको निकालना है सब दिमाग में हो जाएगा आपके, परसेंटेज रिडक्शन कितना कितना रिड्यूस हुआ -20, 20 ओवर इनिशियल क्वांटिटी कितनी है सर 120 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल लें, ये क्या 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है सर कितनी होती है 16 2/3%। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रखना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंट, हाँ ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg more, ओके सर 2 kg more, यानी इतना तो जब प्राइस में आप इतना डिक्रीज करते तो क्वांटिटी में सर कितना इंक्रीज हो जाता है 2 kg, 4 rupees 30, यानी अगर आपसे मैं पूछूं टोटल अमाउंट आप पे कितना है अवेलेबल, टोटल अमाउंट तो आप पे इतना ही है ₹30, मैं यानी पहले भी इतना था बाद में भी इतना है, क्योंकि हमारे पास खर्चा तो फिक्स है ना भाई, वी हैव सेम एक्सपेंडिचर। आपकी जेब में पहले भी ₹100 थे, बाद में भी ₹100, इस क्वेश्चन में पहले भी आप पे ₹30 थे, बाद में भी ₹30। नेक्स्ट देखते हैं, अब 100% के लिए क्या करूंगा, इधर मैं × 5, इधर भी × 5, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ करते हैं। 100% की वैल्यू सर कितनी आ गई 10 kg, ध्यान रखना ये हमारी कौन सी क्वांटिटी आई है, न्यू क्वांटिटी, ये हमारी क्या है न्यू क्वांटिटी, या फिर मैं क्या बोल लू रिड्यूस क्वांटिटी,
अब हमसे पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस या रिड्यूस प्राइस। सबसे पहले मैं निकालूंगा रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस माने यानी कौन से प्राइस पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है न्यू प्राइस। क्या बात समझ में आती है? तो यानी टोटल क्वांटिटी सर, टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल था आपका, 30/10 हो जाएगा ना, सॉरी सर 30/10 हो जाएगा सर, 3 रुपीज पर केजी। ठीक है, 3 रुपीज पर केजी। यानी न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी भाई, टोटल अमाउंट आप पे जितना अवेलेबल है, और भाई एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, अब आपको निकालना क्या है, प्राइस पर केजी, भाई टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल क्वांटिटी। प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज यहां से आई। ये तो मेरी आई है न्यू प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के लिए आप पे क्या होनी चाहिए सर, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी मेरी कितनी होगी भाई, 10 केजी प्लस प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी पहले क्वांटिटी कितनी रही होगी, कम रही होगी, यानी पहले क्वांटिटी कितनी रही होगी, 10 माइनस 2 8 केजी। बताइए क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? लेकिन भाई अमाउंट तो मेरे पे फिक्स है ना, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 30/8, 30/8 यानी कितना हो जाएगा, 3 जा 24, ठीक है, 6 6/8, 6/8 यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 कंप्लीट, 3/4 रुपीज पर केजी। दिस इज ओरिजिनल प्राइस पर केजी। इज इट क्लियर? बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी इसी प्रकार का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, अ प्राइस 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ शुगर, 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पल्सेस फोर्सेस अ पर्सन टू परचेस 2 केजी लेस। देख लो, प्राइस में अगर इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है। सबसे पहले 100% के लिए क्या करोगे, इधर इंटू 10, इधर भी क्या करोगे इंटू 10। ठीक है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 केजी। ठीक है, ये मेरी आई है न्यू प्राइस, ये मेरी कितनी आई है, न्यू क्वांटिटी, सॉरी ये आई है मेरी न्यू क्वांटिटी 20 केजी। हमसे पूछा क्या है न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी रही होगी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी रही होगी, देखो क्वांटिटी कम हुई है, यानी पहले क्वांटिटी ज्यादा रही होगी, 20 प्लस 2 कितनी रही होगी, 22 केजी। क्या ये बात क्लियर है? अब तो निकालना बहुत आसान है भाई, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा सर, भाई एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर आपने पिछला क्वेश्चन डिटेल में नहीं समझा, प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर यानी टोटल अमाउंट, अगर मैं आपसे पूछूं वो तो आप पे फिक्स है ना, 110 रुपये, और न्यू प्राइस कितने हैं सर, 20, कितना हो गया, 5.5 रुपीज पर केजी। बताएं, और मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी, वही क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर तो फिक्स है, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 22, ये सीधा गया 5 टाइम्स, यानी 5 रुपीज पर केजी। बस समझ में आई चीज़ है, चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप प्लीज लाइक करें और अपने जो भी सजेशन है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है, इसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसके साथ देखेंगे। ठीक है, आप इसके आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस वीडियो के लिए आप इन सबके आंसर्स कमेंट कर सकते हो, और कमेंट आपको कैसे करना है, हमेशा आपको पता है ना, आंसर और अपना एवरेज टाइम, मान लो इस क्वेश्चन में आपको लगे 20 सेकंड्स किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे कमेंट करो आंसर और 20 सेकंड्स। इसके साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, ये तो मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, कवर कर दिया था, ये वाला बताना था। देखो जी, 22 कंप्लीट 2/9, यानी ये डबल 1/9 का डबल, यानी 2/9 ऑफ 162, 7 प्लस 1/7, ये जब भी नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना 11, यानी 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, यानी ये कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा कि नहीं, 7/9 ऑफ, सॉरी 7/11, सॉरी 7/11, 7/11 ऑफ 132 प्लस 85 कंप्लीट 5/7, सर 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 कंप्लीट 2/7। तो इनटू मैंने क्या बताया, मैंने ये मैं बता चुका हूँ एक्चुअल में बेसिक में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप बेसिक पार्ट देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2, मेरी बात समझ रहे हो, ये बेसिक में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कम बता रहा हूँ, है ना, ये होता है। अब दोनों तरफ मैं ये कहता हूँ सर, इनटू 6 कर दो, 85 कंप्लीट 5/7%, ठीक, यानी हो जाएगा सर ये 6/7 ऑफ 63। देखना, 7 से गया ये मेरा 9 टाइम्स, 11 गया मेरा 11 1 जा 11, 2 जा 22, 9 से गया 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, कितना हो गया 36, 12 7 जा 84, 6 9 जा 54, कितना हो जाएगा
10 और 4 40, ओके 8 एंड 4 12 एंड 5 174 इज योर आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पार्ट वन और पार्ट टू देखो, इसी लिंक में पार्ट वन और पार्ट टू देखो, वही बेसिक है आपका इसका। दिस इज वेरी सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। अच्छा ये वाला और देख लेते, 81.11 और 72.22। 81.11 ये समझ में नहीं आता, 81.81% मैंने कहा था सर इसे 9 से डिवाइड कर दो, 9 से जब डिवाइड करोगे इसे तो कितना आएगा, 9 9 81 0 9 9 81, ये मुझे पता है सर कितना होता है 1/11 इनटू 9, ये कितना हो गया सर 9/11 इस तरीके से। दूसरा वाला क्या है 72.72%, ठीक है। अब इसे 9 से डिवाइड करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना, 9 से डिवाइड करोगे 8.08, तो मेरे दिमाग में आया अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 8 9 72 पॉइंट कितना आ गया, वही आ गया, वही चीज आ गई, यानी कितना हो जाएगा ये 8/11। बताएं क्लियर हुआ? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, अपने जो भी सजेशन आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू।